نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ان الصفا بشك صفا والمروه और मरवा मिन शाइरिल्लाही अल्लाह की निशानियों में से हैं। सफा का जो लफ्ज़ है वो सफात से है, इसका मतलब होता है सख्त चट्टान, चटियल चट्टान जिसपे कुछ ना उगता हो उसे सफा कहा जाता है। और ये काबा से मशरिक की तरफ जो पहाड़ियां हैं जिन पे हाजी उनका तवाफ करते हैं, सही करते हैं, उसे सफा कहा जाता है। उस पहाड़ी का नाम है जो मशरिक की समत काबा से दोनों पहाड़ियां हैं। वल मरवाता और मरवा, मरवा का जो मीनिंग है वो होता है नर्म चीज, नर्म चीज को मरवा कहते हैं। और मरवा वो पहाड़ी है जो सफा से पैरल दूसरी साइड पे ऑपोजिट, उसे मरवा कहा जाता है। इन सफा बेशक सफा वल मरवता और मरवा मिन शाइरिल्लाही अल्लाह की निशानियों में से हैं। शायर जो है वो शईरत उनकी जमा है, शीन ऐन रा इसका रूट है, इसका मतलब होता है निशानी। और ऐसा अमल या ऐसी जगह जो किसी हकीकत का शऊर दिलाए उसे कहा जाता है शईरा, ठीक है, उसकी जमा है शायर। मसलन खाना काबा है, मुजदलफा है, अरफा, जमरात, अजान, रमज़ान, जुमा, नमाज, कुरान, ये सारी चीज़ें शायरिल्लाह में से हैं। और इसी तरह इन सफा वल मरवता मिन शायरिल्लाह, सफा और मरवा भी शायर अल्लाह में से हैं, अल्लाह की निशानियों में से हैं। दीन का एहसास जो चीज दिलाती है ना, वो एक्चुअली वो निशानी शायर कहलाती है, जो मुसलमानों की पहचान होती है। अब ये सारी चीजें जिनका मैंने नाम लिया है ये दीन की पहचान है, मुसलमानों की पहचान है। अब सफा, मरवा, जमरात और अरफा, ये नाम कोई और तो नहीं जानता ना, मुसलमानों की इनके साथ एक खास एसोसिएशन है। ये हमारे दीन की पहचान है और ये हमारे दीन का एहसास दिलाती हैं, ये चीजें शाइरिल्लाह कहलाती हैं। सफा मरवा भी अल्लाह की निशानियों में से हैं, शाइरिल्लाह में से हैं। फमन पस जो कोई हज्जा हज करे, हज्जा या हुज्जू का मतलब होता है इरादा करना, हाजीम जीम इसका रूट है। इस्तलाहन अल्लाह के घर का इरादा करना हज कहलाता है। फमन हज्जा बस जो कोई हज करे, अल बैता बैतुल्लाह का, अवी तामारा औ है असल में ये लफ्ज औ या ई तामारा उमरा करे, उमरा का मतलब होता है ज़ियारत करना, ऐन मीम रवा इसका रूट है। आमारा या मुरू का मतलब होता है आबाद करना। अवी तामारा या उमरा करे, इस्तलाहन उमरा किसको कहा जाता है, जो अल्लाह के घर का तवाफ और सही की जाती है, जो साल में किसी भी वक्त की जा सकती है। ज़रा हज तो एक ही वक्त में होता है ना, साल में एक ही महीना होता है ज़िलहज्जा का जब हज होता है, लेकिन उमरा साल में किसी भी वक्त आप जो अल्लाह के घर की ज़ियारत की जाती है, उसका तवाफ़ किया जाता है और सही की जाती है, उसे उमरा कहा जाता है। और इसे हज असगर भी कहा जाता है, और वो जो हज के महीने में हज होता है उसे हज अकबर कहा जाता है। जो कोई हज करे बैतुल्ला का या उमरा करे, फला जुनाहा तो नहीं कोई गुनाह, जीम नून हा इसका रूट है। जनाह कहते हैं विंग्स को, परों को, परिंदों के पर के लिए भी ये लफ्ज आता है।
और वैसे इसके लफ्जी मानी होते हैं एक समत हो जाना, एक जानिब हो जाना, एक ही तरफ को झुक जाना। तो गुनाह जो है इसका मतलब कैसे बनता है कि जब इंसान गुनाह करता है ना तो वो भी एक ही तरफ को झुक जाता है, सीधे रास्ते पे चलता चलता जब एक ही समत उसने अपना झुकाव कर लिया तो वो एक ही समत में झुक गया तो वो गुनाह कहलाता है। क्योंकि असल दीन जो है वो एतदाल में रहना है, जब हम एक तरफ को झुक जाएंगे तो वो एतदाल तो खत्म हो जाएगा और इंसान का झुकाव एक ही तरफ हो जाएगा तो वो गुनाह कहलाता है। और लफ्ज़ कौन सा आपने पढ़ा था गुनाह के लिए? अलिफ था मीम इस्म, वो भी गुनाह के लिए आता है। फला जुनाहा, तो नहीं कोई गुनाह, अलैही उस पर, अन ये के यतवाफा, वो तवाफ करे। तवाफा असल में था यता तवाफा, इसमें ता भी एक था, याता तवाफा। तो शद तो आप जो है ये क्या बता रही है कि ये वो दोनों मर्ज हो गए हैं। अब ये लफ्ज बन गया अन यतवाफा, तवाफ करना, चक्कर लगाना, इसका मतलब है कि वो तवाफ करे। यहाँ पे तवाफ से मुराद सही करना है, जो सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाए जाते हैं, ये उसके लिए लफ्ज आया है अन यतवाफा, कि वो चक्कर लगाए या तवाफ करे, बिहिमा उन दोनों का। ये बिहिमा से भी पता चलता है दोनों क्या है, सफा और मरवा, जिनकी हम शुरू से आए के शुरू से बात हो रही है। बिहिमा उन दोनों का, वमन और जो कोई, ततवा खुशी से करे। इसका रूट है तौ वाउ ऐन। तौ अन क्या होता है? तौ अन व करहन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तौ अन का ऑपोजिट है करहन। तौ अन होता है खुशी से, करहन होता है ना खुशी से। कहते हैं वो काम तो करना ही पड़ेगा, तौ अन व करहन, चाहे दिल करे या ना करे, खुशी से करें या ना खुशी से करें। करहन कराहत से होता है ना, तो उसका ऑपोजिट होता है तौ अन, खुशी से, खुशी से कोई काम करना। अब लफ्ज अतात भी इसी से निकला है, त्वा वाओ ऐन से, अतात। अतात चूंकि इंसान करता है दिल के इरादे से, जब किसी की अतात की जाती है ना, कहते हैं अल्लाह की अतात करना, तो दिल के इरादे से, दिल की खुशी से अतात की जाती है। ततवा जो खुशी से करे, खैरन कोई भलाई, कोई नेकी, फइन्नल्लाहा तो बेशक अल्लाह ताला शाकिरुन कदरदान है। शाकिर किस रूप पे आया है? फाइल, फाइल के रूप में कुछ फेल होता है ना काम करना, शाकिर कौन होगा? शुक्र करने वाला, कदरदान। अल्लाह के लिए ये लफ्ज आएगा तो कदरदान आएगा, ठीक है। इंसान अगर होगा तो वो अल्लाह का शुक्रगुजार होगा, ठीक है। तो ये शाकिरुन फाइल के वजन पे है, वो कदरदान है, अलीम वो जानने वाला है। अलीम किसके वजन पे है? फाइल के वजन पे। अभी हम कुछ दिन प्रैक्टिस उन्हीं तीन औजान की करेंगे जो हम कर चुके हैं। एक क्या था? फाइल, जिसके वजन पे ये लफ्ज आया अलीम। इसके अंदर मुबालगा पाया जाता है, इल्म वाला, लेकिन इसमें मुबालगे का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा इल्म वाला। और दूसरा हमने एक पढ़ा था फाइल का वजन, जो अभी शाकिर में आया, कदरदान, ठीक है। उसमें एक फाइल जैसा मफहूम होता है, जैसे फाइल करने वाला है तो कोई भी काम जो करने वाला होगा वो फाइल के वजन पे आएगा। इसमें भी जैसे कदर करने वाला, ठीक है, अलीम इल्म वाला है। इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फमन हज अलबैता, तो जो कोई हज करे बैतुल्ला का, अभी इतामारा या उम्रा करे, फला जुनाहा पस नहीं कोई गुनाह, अलैही उस पर, अन यतवाफा कि वो तवाफ करे, बिहिमा इन दोनों का। वमन ततवा खैरन, और जो कोई खुशी से करे कोई नेकी, फइन्नल्लाहा तो बेशक अल्लाह ताला शाकिरुन अलीम कदरदान है, बहुत इल्म वाला है।
इसको समझने के लिए हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम थोड़ा सा पीछे जाएं कि देखें कि सफ़ा और मरवा का तवाफ़ क्यों किया जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी हज़रत सारा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की और अपनी बीवी के साथ वो मिस्र पहुँचे तो मिस्र का जो बादशाह था वो हर खूबसूरत औरत छीन लेता था और हज़रत सारा बहुत खूबसूरत थी। कहा जाता है कि हज़रत हव्वा के बाद हज़रत सारा सबसे खूबसूरत औरत थी। और वैसे भी सीन रा इसका रूट है और ये लफ्ज़ है सारा खुश करने वाली, ठीक है, इसका मतलब होता है ना। तो हज़रत सारा जब बादशाह ने उनको बुलाया और जबरन उनको अपने साथ ले गया तो जब उन्होंने बादशाह ने हाथ बढ़ाया हज़रत सारा की तरफ तो उसका हाथ शल हो गया। फिर उसे समझ आई कि ये कोई आम औरत नहीं है। फिर उसने कहा मेरे लिए दुआ करें। हज़रत सारा ने दुआ की और इस तरह वो ठीक हो गया। 3 दफ़ा उसने ये अटेम्प्ट की लेकिन 3री दफ़ा के बाद वो मान गया बात ये कि नहीं, यहाँ मेरी बात चलेगी नहीं। तो उसने हज़रत सारा को कुछ तोहफे तहाइफ भी दिए, जेवरात दिए और एक कनीज दी और इनको छोड़ दिया। वो जो कनीज थी उनका नाम था हज़रत हाजरा। फ़लस्तीन वापस जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उनके साथ हज़रत सारा के साथ साथ हज़रत सारा की कनीज हज़रत हाजरा भी थी। चूँकि इनकी औलाद कोई नहीं थी तो हज़रत हाजरा ने अपनी खुशी से निकाह कर दिया, सॉरी हज़रत हाजरा ने, सारा ने हज़रत हाजरा के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह करवा दिया और अल्लाह ताला ने उनको औलाद भी दे दी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत सारा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का में इसकी बेआब हो गया एक इलाके में, उस वक्त वहाँ पे अल्लाह का घर नहीं था, उनको आबाद किया गया। और हज़रत सारा जो हज़रत हाजरा थी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे को और उनको छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि आप तो क्यों मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। जब ना जवाब मिला तो कहने लगी क्या अल्लाह के हुक्म से छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया हाँ। तो कहने लगी कि अगर अल्लाह के हुक्म से छोड़ रहे हैं तो वो कभी हमें ज़ाया नहीं करेगा। तो अल्लाह के हुक्म पे बेचूनो चरा उन्होंने अमल किया और अपने खामद की बात किस तरह उन्होंने मानी, अल्लाह की रजा पे कैसी राजी हुई, बगैर शिकवा किए शोहर की अताअत की और इस पर अल्लाह ताला ने किस तरह उन पे अपनी रहमत की कि आज तक उनकी वो जो एक सुन्नत है उस पे अमल हो रहा है। क्योंकि जब वो पानी जो था सा थोड़ी सी खजूरें थी वो ख़त्म हो गई, अब बच्चा भूख से रो रहा है तो हज़रत हाजरा पहले सफ़ा पहाड़ी की तरफ गई बच्चे को उधर छोड़ के, वहाँ पानी नहीं मिला, फिर वापस आई बच्चे को देखा, फिर मरवा पे चढ़ गई वहाँ देखा। इस तरह उन्होंने बेचैनी में बेकरारी में बच्चा भूख से बिलक रहा है प्यास है और वो 7 दफ़ा सफ़ा और मरवा की तरफ दौड़ी और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पर मारा और कहा जाता है कि वो बच्चे की एड़ियां जहाँ पे बच्चा मार रहा था अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा पानी वहाँ पे जारी कर दिया। और जब हज़रत हाजरा वापस आई और उन्होंने वहाँ पे देखा कि पानी को और पानी बहे चला जा रहा है तो उन्होंने उसे कहा जम जम ठहर जा जम जम का मतलब होता है ठहर जा। तो उन्होंने एक बंद बांध दिया उसके इर्द गिर्द और इस तरह पानी का एक कुआं बन गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वो ना उसको उसके गिर्द वो बंद बांधती तो वहाँ पानी का दरिया बह निकलता। तो ये जो सफ़ा और मरवा हैं ये वही 2 पहाड़ियाँ हैं जो आज इनको एक तरह से इन पे कोई पेंट वगैरह करके इनको प्रिजर्व कर लिया गया है। तो ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो फरमाया अल्लाह ने तो जो कोई हज करता है बैतुल्लाह का या उमरा भी करता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है कि वो इन दोनों का तवाफ करे। अब यहाँ हैरत होती है कि गुनाह की बात क्यों की जा रही है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ये शायर अल्लाह में से हैं, जैसे एक जगह और भी आता है ना कुरान में वमन युअज़्ज़िम शायर अल्लाह फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, जो शायर अल्लाह की तज़ीम करता है वो दिलों के तकवा में से है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जो शायर अल्लाह का
उस पर फॉलो करता है तो उस पर गुनाह नहीं है। तो इसका ये क्यों कहा जा रहा है, एक्चुअली इस्लाम से पहले जमाना जाहिलियत में सफा और मरवा पर दो बुत रखे हुए थे, असाफ और नाइला। तो इसलिए मुसलमानों के जहन में एक ये ख्याल पैदा हुआ कि ये जो सफा मरवा की सही करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ तो बुत रखे हुए थे, कहीं बुतों की तज़ीम में तो नहीं ये बात आ जाएगी। तो इस पर अल्लाह ताला ने ये वजाहत की है कि इनका इनके गिर्द चक्कर लगाना, सही करना, ये इसमें कोई गुनाह नहीं है। फमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, और जो कोई खुशी से करे कोई नेकी तो बेशक अल्लाह ताला कदरदान है, बहुत इल्म वाला है। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग यक्तुमूना छुपाते हैं, कातमा यक्तुमू से ऊना साउंड जमा के लिए या वो के लिए, यानी वो छुपाते हैं, मा जो या उसको जो अंजलना नाजिल किया हमने, मिनल बैयनाती वाज़े दलाइल में से। बैयना क्या होता है, बैयना युबैयनु तबयून तबयीनिन कहते हैं, फर्क करना, पोशीदा चीज को जाहिर करना, बात को दलाइल से पेश करना। मिनल बैयनात, बैयनात जो है ये बैयनतुन की जमा है, क्लियर प्रूफ, दलील, ठीक है, वाज़े दलाइल में से। वल खुदा और हदायत, मिम बादी, बाद इसके जो, मा बैयन ना हो, बयान कर दिया हमने उसको, ये भी वही रूट है, बयान करना भी इसका मतलब होता है, फर्क करना भी, बात को दलील से पेश करना भी, और बयान करना, हमने बयान कर दिया, बैया ना, बयान कर दिया हमने हु उसको, लिन नासी लोगों के लिए, फिल किताबी किताब में, उलाइका वही लोग हैं, यल अनुहुमुल्लाहु के लानत करता है उन पर अल्लाह ताला। लाना यल अनु का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूर होना, व यल अनु हुम और लानत करते हैं उन पर अल्लाह इनून सब लानत करने वाले। ला इनून की जमा क्या होगी, लाइन, तो लाइन किसके वजन पे है, फाइल के वजन पे, फाइल के वजन पे, अब करके देखें, लाइन लानत करने वाला, लानत करते हैं उस पर सब लानत करने वाले। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, यक्तुमूना छुपाते हैं, मा अंजलना जो नाजिल किया हमने, मिनल बैयनाती वाज़े दलाइल में से, वल हुदा और हदायत में से, मिम बादी बाद इसके, मा बैयनाहु जो बयान किया हमने उसको, लिन्नासी लोगों के लिए, फिल किताबी किताब में, उलाइका ये लोग, यल अनहुमुल्लाहु लानत करता है उन पर अल्लाह ताला, व यल अनहुमुल्लाइनून और लानत करते हैं उन पर लानत करने वाले। इल्म की बात छुपाना जो है ये बहुत गुनाह की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स पूछने पर भी इल्म की बात ना बताए, क़यामत के दिन उसे आग की लगाम दी जाएगी। यानी बात होता है ना, लोग कहते हैं कि मैं, मुझसे कोई आगे ना निकल जाए, मैं किसी को क्यों बताऊँ। बाज लोग अपने नोट्स छुपा रहे होते हैं, बाज लोग अपनी किताबें छुपा रहे होते हैं, या मतलब कोई चीज़ पता है तो नहीं बताते। तो किसी हिकमत के तहत हो तो अलग बात है, अगर किसी को आप समझते हैं कि इस वक्त अभी हर बात बताना ज़रूरी नहीं है तो वो एक अलग बात है। लेकिन इल्म को छुपाना जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो लोग छुपाते हैं जो हमने नाजिल किया, मिनल बैयनाती वल हुदा, मिन बादी मा बैयनाहु, बाद इसके कि हमने खोल कर बयान कर दिया उसे लोगों के लिए, फिल किताबी किताब में, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह भी लानत करता है और सब लानत वाले करने वाले लानत करते हैं। जैसे यहूद में क्या था कि वो आम लोगों तक इल्म नहीं पहुंचने देते थे, वो समझते थे कि बस इल्म हासिल करना तो हमारे उलमा ही काम।
इल्ला मगर अल्लज़ीना वो लोग ताबू जिन्होंने तौबा कर ली इस बात से इल्म को छुपाने से ताबा या तूबू से व असलहू और उन्होंने इस्लाह कर ली व बयानू और बयान किया ठीक है यानी गलती हो गई पहले ऐसे करते रहे उसके बाद फिर उन्होंने तौबा कर ली और इस्लाह कर ली और बयान करना शुरू कर ताबा या तूबू तो पहले हम पढ़ चुके हैं काफी डिटेल से फिर उसके बाद असलहा युसलिहू भी बगाड़ के बाद दुरुस्त करना और बयानू भी हमने पढ़ लिया बयाना युबयिनु से बयान कर दिया उन्होंने तो फिर क्या है उनके लिए फाउलाई का तो यही वो लोग हैं अतूबू मैं रजू करता हूँ ताबा या तूबू से अतूबू मैं रजू करता हूँ ये आ कम कम आता है ये वही अतैन में से अलिफ है मैं ठीक है जैसे मैंने बताया था ता हो तो तुम या हो तो वो नून हो तो हम अलिफ आए तो शुरू में मैं अतूबू मैं रजू करता हूँ अल्लाह करे तो रजू करना बंदा करे तो तौबा करना मैं रजू करता हूँ अलैहिम उन पर व अनत तवाब और मैं ही रजू करने वाला हूँ तवाब किसके वजन पे है फाल के वजन पे अनत तवाब और मैं ही बहुत रजू करने वाला हूँ तवाब जो फाल का वजन है इसमें भी मुबालगा पाया जाता है ठीक है तवाब जो है फाल के वजन पे अभी तक आपने कितने औजान हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक फाल जिसमें मुबालगा पाया जाता है इसके वजन पे तवाब है दूसरा फाइल जैसे अभी हमने अलीम पढ़ा उसमें भी मुबालगा पाया जाता है यानी बहुत ज्यादा का मफहूम इसमें खुद ब खुद आ जाता है और तीसरा है फाइल करने वाला जैसे अभी हमने शाकिर पढ़ा तो हर लेसन में से आपने इन औजान पे जो लफ्ज आते हैं उनको आपने अलग लिखते जाना अनत तवाब रहीम और मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और नहायत मेहरबान हूँ फाइल के वजन पे नहायत का लफ्ज इसके अंदर खुद ब खुद आ गया इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली और इस्लाह कर ली व बयानू और बयान कर दिया यानी जो कुछ वो छुपा रहे थे फाउलाइका तो वही लोग हैं अतूबू अलैहिम कि मैं तौबा कबूल करता हूँ उनकी यानी पढ़ा था ना हमने पहले पारे में कि ताबा के बाद जब अला का अगर आ जाए सिला यानी प्रपोजिशन तो फिर उसका मतलब होता है कि अल्लाह तौबा कबूल करता है या अल्लाह रुजू करता है बंदे की तरह फाउलाई का अतूबू अलैहिम बस यही वो लोग हैं कि मैं मेहरबान होता हूँ या तौबा कबूल करता हूँ इनकी या मेहरबान होता हूँ ऊपर उनके या रजू करता हूँ उनकी तरफ व अनत तवाब रहीम और मैं ही हूँ बहुत तौबा कबूल करने वाला और नहायत मेहरबान इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया कफरा यकफुरु कुफर करना इनकार करना जिन लोगों ने कुफर किया व मातू और वो मर गए वो इस हाल में के हम वो कुफारुन वो काफिर थे काफिर की जमा कुफार उलाई का यही लोग हैं अलैहिम के उन पर लानतुल्लाही लानत है अल्लाह की वल मलाइकती और फरिश्तों की मलाइका क्या है मलक की जमा फरिश्तों को कहते हैं जो नूर से बने होते हैं ना मर्द होते हैं ना औरत ना खाते हैं ना पीते हैं ना फरमानी नहीं करते इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है साइज इनका बड़ा ह्यूज बहुत बड़ा बड़ा होता है और ये अल्लाह की एक नूरी मखलूक है मखसूस जो बड़े बड़े चार फरिश्ते हैं जिनके नाम हमें पता है और उनके काम भी हमें पता है और इसके अलावा बहुत से फरिश्ते हैं जैसे पहले बारे में हमने हारूत और मारूत के नाम से दो फरिश्तों के नाम भी पढ़े थे इसके अलावा मीकाईल इज़राइल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम चार मुकद्दर फरिश्ते हैं और फरिश्ते फरिश्तों की वन्नास अजमाइन और सब लोगों की इन्नल्लज़ीना कफरू बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया
वह मातू और वो मर गए, यानी कुफर की हालत में उनकी मौत वाकया हो गई। वह उनको फारून और वो काफिर ही रहे, यानी कि उन्होंने बात नहीं मानी। उलाई का अलैहिम लानतुल्लाह, ये वो लोग हैं कि उन पर अल्लाह की भी लानत है, वल मलाइकाती और फरिश्तों की भी, वन नासी अजमईन और सब लोगों की लानत है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।